हेलो स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है आपको इफ़ वाई इक्वल टू वाई एक्स इज द सॉल्यूशन द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई माइनस वन वाई एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड वाई वाई वन इक्वल टू वन देन वाई ऑफ हाफ इज इक्वल टू डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले क्या करना है सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन आपको जो दे रखा है वो है एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई माइनस वन बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो तो देखते हैं ये वेरिएबल से प्रेबल है, है तो यहाँ से पहले हम डीवाई वाई डी एक्स फाइन करेंगे डीवाई वाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ये इस साइड आएगा तो निगेटिव वाई प्लस वन वाई एक्स अपॉन् एक्स स्क्वायर ठीक है अब यदि दोनों टर्म को डिवाइड करेंगे तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के में कन्वर्ट हो जाएगा तो डी वाई वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई वाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स क्यू इस टर्म को सेट ले आइए तो डी वाई वाई डी एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू वन बाय एक्स क्यू तो ये फॉर्मेट है आपका डी वाई वाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू यानी लिनियर डिफरेंशियल क्यू कॉन्स्टेंट या फंक्शन ऑफ एक्स एलोन तो ये हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं सिंस इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है ई टू दी पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी तो ई टू दी पावर पी पी है आपका कितना वन बाय एक्स स्क्वायर वन

वन बाय एक्स क्यू इन टू ए टू दावर माइनस वन बाय एक्स डी एक्स इसको आपको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो देखिए तो देखिए हम सबसे पहले वन बाय एक्स को टी ले लेते हैं, इधर तो है इसको सॉल्व करना है नाउ करके लेट इ टू दावर माइनस वन बाय एक्स को आपने केवल माइनस वन बाई एक्स ले लेते हैं माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू टी ले लिए तो इसका डेरिवेटिव हो गया वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी तो राइट साइड वाला जो आपका इंटीग्रेशन है वन बाई एक्स क्यूब तो वन बाई एक्स क्यूब को वन बाय एक्स स्क्वायर इंटू वन बाई एक्स लिख सकते हैं तो वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स कितना हो गया डी टी एंड वन x एक्स वन बाई एक्स हो गया आपका माइनस टी वन बाई एक्स हो गया माइनस टी माइनस तो टी और इ टू दी पावर टी डी टी आ गया अब इसका इंट्रीगल करेंगे तो निगेटिव टी को रखेंगे पावर e, पावर e का e t, से कर रहे हैं यू इंटू भी फंक्शन का माइनस इंट्री डेरिवेटिव ऑफ टी वन e टू पावर टी डी टी एक बार e टू पावर टी का अगेन हो जाएगा माइनस

यानी इसका इंटीग्रल आपका हो चुका है अब जो सॉल्यूशन हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन जो कर्व होगा वो देखिए वो क्या है सो द्लाइस वाई इंटू ए टू दावर माइनस वन बाय एक्स इक्वल टू हमने इसका इंटीग्रल निकाल लिया है ठीक है इसका इंटीग्रल आ गया आपका ए टू दावर माइनस वन बाय एक्स वन बाय एक्स प्लस वन और एक कांस्टेंट आपको इंटीग्रल कांस्टेंट लगाना पड़ेगा प्लस सी ठीक है अब यहाँ पे हमको वाई वन इक्वल टू वन दे रखा है तो थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर देते हैं तो वाई इक्वल टू इ टू पावर माइनस वन एक्स ये कैंसिल हो गया तो वन वाई एक्स प्लस वन प्लस सी अपॉन इ टू द पावर माइनस वन वाई एक्स तो ई टू दावर वन वाई एक्स हो जाएगा यह आपका हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दैट मींस कर्व ये कर्व का इक्वेशन आपको मिल गया है अब यहां पे आपको c का वैल्यू फाइंड करना है क्योंकि आपको y इक्वल टू हाफ का भी वैल्यू फाइंड करना है y1 y1 का मीनिंग क्या हुआ कि आप x का वैल्यू वन रख रहे हैं तो y का वैल्यू कितना होगा वन x का वैल्यू वन रख रहे हैं तो y का भी वैल्यू वन है एक्स का वैल्यू वन तो ये हो गया सी e. तो का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस वन बाई सी का वैल्यू हो गया माइनस वन बाई इसका मीनिंग है कि कर्व जो है इक्वल टू वन बाई एक्स प्लस वन और सी का वैल्यू है आपका माइनस वन बाई इंटू ई टू दावर वन बाई एक्स आ गया अब आपको वाईल टू हाफ पे वैल्यू पुट करना है यानी एक्स का वैल्यू वन बाई टू तो वाई का वैल्यू क्या होगा तो ये वन अपाउन माइनस वन बाईर वन बाई टू, टू, टू।, तो टू का मीनिंग हो गया टू प्लस वन थ्री माइनस वन बाई ई इंटू ई स्क्वायर तो इससे कैंसिल कर देंगे ई आ गया यानी हो गया थ्री माइनस ई तो आपका वाई हाफ वे वैल्यू क्या हो गया थ्री माइनस ई फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ओके थैंक यू